नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिकल। जिस समय नेशनल हाईवे की बात करते हैं, इस समय तमाम गाड़ियां जो है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक दी है। और आप भी जानते हैं जब भी ये गाड़ियां रोकी जाती है तो कोशिश करेंगे यहाँ पे किसी ना किसी के साथ बात जो है वो जरूर कर सके और आपको बता सके कि क्या जिंदगी होती है एक ट्रक ड्राइवर की, खास तौर पर जब इस प्रकार से इनकी गाड़ियां जो है वो रोकी जाती है। तो यहाँ पे इस समय आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो गाड़ियाँ है वो चलती हुई नजर आ रही है। तो इसी सब पर बातचीत करने के लिए मैं भी इस समय एक ट्रक में आ चुकी हूँ और ट्रक ड्राइवर से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? रमनदीप सिंह। रमन जी, कितने सालों से आप जो ये ट्रक है वो चला रहे हैं? मुझे हो गए कोई 10-15 साल। जी, 10-15 साल हो गए। कितनी दिक्कत आती है आपको जब भी इस तरीके से आपकी गाड़ियाँ यहाँ रोक दी गई है? मैंने देखा कि अभी भी बहुत लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पे लगाई गई है। मुश्किल तो बहुत होती है यहाँ, जहाँ पे पानी की है ना, यहाँ खाने का कोई वो है, क्या कहते हैं अपना, कि जैसे साधन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली यहाँ पे रोक दिया जाता है और टाइम पे छोड़ते भी नहीं है ये लोग। और तो आप खुद ही देख लो यहाँ पे क्या हालत है हमारी, हम बैठे हुए हैं रास्ते में और इंतजार करते हैं ये कब छोड़ेंगे। रमन जी, कहाँ की ओर जा रहे हैं अभी आप? हम तो श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, कश्मीर की ओर। जी, कश्मीर की ओर जा रहे हैं। देखिए, बात करते हैं एक ट्रक ड्राइवर की। जब भी ट्रक ड्राइवर की बात आती है, ना आपके लिए दिन है ना आपके लिए रात है, क्योंकि सब लोग जानते हैं। लेकिन जब भी आपको रोका जाता है, कितनी मुश्किलें आती है, जो एक रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं आज भी वो नहीं मिलती है, कैसा लगता है आपको? जैसे आपने बोला कि ना आपके लिए दिन है ना रात है, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ना हमें रात देखनी पड़ती है ना दिन देखना पड़ता है। तो रात भर हमें चलना पड़ता है, ना खाने का ना पीने का पता, उसकी वजह से तो दिक्कत तो बहुत होती है यहाँ पे। रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, सब ड्राइवर को ऐसे ही समझते हैं जैसे कि ये फालतू इंसान हो, तो इसलिए मुश्किल तो है ही है हर चीज़ की। रमन जी, अभी आप यहाँ रुके हैं, क्या कोई आपसे पूछने आता है कि खाना खाया या नहीं खाया? क्योंकि हर कोई जो है वो घर से इसलिए निकलता है, अपनी मजबूरी के लिए निकलता है। आप भी इसलिए निकले होंगे ताकि घर गुजर है, आप अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ दे सके। क्या इतने में गुजारा हो जाता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना खाए पिए ही सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है? कई बार तो वैसे तो यहाँ पे तो कोई पूछने अब तक आया नहीं है ना आता है यहाँ पे कि आप क्या हो, भूखे हो या कोई, उल्टा तो हम लोग तो लोगों को खिलाते हैं, हमें तो कोई खिलाता नहीं है। हम दुनिया भर के जगह जाते हैं, सामान पहुँचाते हैं, सबकी मुश्किलों को हल करते हैं, पर यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो जहाँ तक बात है कि आपने बोला कि आपका परिवार चलता है, तो हाँ अब तो चलाना पड़ता है, जैसे वैसे अब काम ही जैसे अब चलाना तो पड़ेगा। अब जो वो तो दिक्कत तो होती है हर चीज़ की, मुश्किल तो गुजारा तो आपको पता आजकल की महंगाई में इसमें कम गुजारा नहीं होता है, पर क्या करें, हमें करना पड़ता है गुजारा। और हमारे घर में भी बच्चे हैं, माँ है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके ट्रक चला के अपना परिवार चलाना पड़ता है। जी, कोविड है, देखिए कोरोना है, अब कहीं ना कहीं कम हो चुका है। कोरोना में कितनी मुश्किलें आई, सब तबका बंद था, आपका जो तबका है आपको दिन रात गाड़ियां चलानी थी, आपको कहीं पे रोकथाम नहीं थी, कैसा रहा और क्या क्या दिक्कतें उस समय आई? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो बाहर से कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, वैसे तो फिर भी दुकानों से पानी की बॉटल्स कुछ ना कुछ मिलती होंगी, जब पूरा सब कुछ बंद था तब कैसी जिंदगी जो है वो गुजार? लॉकडाउन के दौरान तो कोई बाहर दिखा नहीं और कोई पास आता भी नहीं था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि लोग डरे हुए थे कि कहीं किसी को छूने से हमें भी कहीं कोविड ना हो जाए, या ये कहीं से आया हुआ है, बाहर से आया हो या कहीं दूर से आया, क्या पता इसमें क्या है क्या नहीं है, ट्रक लेके आया है। और हमारा ट्रक एक्चुअली वो खड़ा होने नहीं देते थे घर के पास कि यहाँ से चलिए, तो पानी पिलाने की तो दूर की बात की जाए निकली, तो हमने तो लोगों की सेवा की है, हम चलते रहे हैं, बेशक हमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कोविड में, क्योंकि हमें तो मजबूरी है, हमने तो जाना है, मगर हमने लोगों की फुल हेल्प की है। और सामान जो है उस टाइम भी हमने लोगों को पूरा सामान अपनी जगह की, कोई हमारी वजह से भूखा ना मर सके, इसलिए हमने सबकी देखभाल की है कोविड के नाइन चलते हुए। बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि चलते रहे आप, चाहे भूखे पेट थे या खाया, अभी कुछ आप दिन रात चलते रहे सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने परिवार के लिए। बात करते हैं अभी कश्मीर की ओर आप जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अलावा कहाँ कहाँ ये गाड़ी जो है आपकी चलती है? ये हर जगह जाती है, ऑल ओवर इंडिया, जैसे आप समझो गुवाहाटी, असम और मुंबई वाली साइड, यूपी, बिहार, सब जगह, ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सब जगह जाते हैं। घर से दो दो महीने, तीन तीन महीने हम बाहर ही रहते हैं, तो अब तो जब घर वालों को पालना है तो बाहर तो रहना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा बाहरी है दो दिन। तो जैसे इस समय नेशनल हाईवे पे सारी गाड़ियाँ, जितने भी ट्रक है, हैवी मोटर व्हीकल है, उन्हें रोक दिया गया है। ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है आपकी, जिस तरीके से भी मैं भी यहाँ पे बैठ के महसूस कर पा रही हूँ, जितने भी हमारी ऑडियंस है सबको ये कहना चाहेंगे कि कोई किसी भी प्रकार का काम करता हो, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ी बात है, एक रिस्पेक्ट हर एक तबके को मिलनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है। आपको जैसे अभी भी काफ़ी पसीना आपको आ रहा है, कैसे लगता है? क्योंकि जी,
जिसको लत लगती है वही होगा ना, जब एक मछली जब गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा करती है। ऐसे एक कोई जब की बात, तो रिस्पेक्ट तो कोई दे के राजी नहीं यहाँ पे, क्योंकि सोचते हैं सब ड्राइवर है तो ये क्या है ये, तो इसलिए हमें सब ये तो अब चलना है, सुनती पड़ती सबकी बातें, अब क्या कर सकते हैं। बस तो हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे हमें हर एक जो भी काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए आपकी वजह से ही जितना भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है वो आपकी ही वजह से आता है, तो कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ में आप भी हीरो हैं। क्योंकि देखिए इतनी गर्मी इस समय पड़ रही है, आपको पसीना भी आ रहा है और इस समय आपको रोका गया है, क्या हुआ है कभी? क्योंकि मोस्टली खाना पीना अपने साथ लेके जाते हैं, कितने दिन तक खाना पीना आप? खाना हमारा 10-15 दिन का एलर्टी होता है, उससे ज़्यादा फिर हमें मुश्किल हो जाती है जी। जब कई बार कहीं बर्फ़ पड़ जाती है, हमने सामान नहीं लिया या रास्ते में बंद होते तब हमें दिक्कत होती है। ऐसे तो हमें पता है कि नॉर्मल की यहाँ पे कार्रवाई है, ये रोक लेंगे ये वगैरह, तो हम अपना बंदोबस्त लुधियाना वाली साइड वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप जम्मू के रहने वाले, जम्मू के लोग वैसे भी मिक्सअप होने वाले लोग होते हैं। जम्मू कश्मीर जब घुसते हैं यहाँ पे ज्यादा चेकिंग होती है या बाहर जब होते हैं वहाँ पे ज्यादा? क्या लगता है आपको जहाँ कहाँ पे ज्यादा डिस्टर्ब?